वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बी फार्मेसी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक नया टॉपिक है इम्प्रॉपर फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शन। इससे पहले जो तीन वीडियो बनाए थे उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन निकाले थे, अभी क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा हो, न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर का पावर कम हो, तो उस समय उस फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू, ऐसा है मान लीजिए। तो ये क्या है, देखिए यह न्यूमरेटर का पावर थ्री है डिनोमिनेटर का पावर टू है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर का पावर कम है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को अपन कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पी एक्स इसका रिजल्ट आया, पी एक्स अभी मैं बताऊँगा एग्जाम्पल लेकर के, पी एक्स प्लस इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब ये वाई स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये पार्शियल प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन अपन निकाल लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकाल लेंगे। तो ये है वर्किंग मैथड, इस टाइप से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे होगा, देखिए जिसमें भी न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर का पावर कम हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में अपन चेंज करेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये समथिंग प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ देखेंगे तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन जो अपन तीन मेथड शुरू में पढ़े थे टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, उसमें से किसी एक मेथड में ये आ सकता है, फिर वहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और टोटल रिजल्ट इन दोनों को मिला करके लिख लेंगे। चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, रिसॉल्व 6y³ प्लस 5y² माइनस 7 अपॉन 3y² माइनस 2y माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को कन्वर्ट करना है, रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पास देखिए न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर का पावर कम है, तो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिए, ये है 6y³ प्लस 5y² माइनस 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3y² माइनस 2y माइनस 1। आप 8 और 9 में पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखे होंगे, वहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे आप डिवाइड करते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म को मिलाते हैं, रेस्ट में कुछ भी हो उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए,
कि सबसे पहले यहाँ क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए, इधर कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6 लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ वाई स्क्वायर है तो एक वाई लाऊँगा। मेरा कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर रहेगा, इधर कुछ भी आ जाए। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, ये वाई क्यूब हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 2 4, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2y। माइनस करने से ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 ये 9y² आएगा, ठीक है, 5 4 9y² आ जाएगा। और ये माइनस में ये प्लस में 2y आ गया, 2y, और ये -7। फिर से यहाँ पास अपन लाएंगे 9 लाएंगे, 9 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस में है तो प्लस 3, तो ये 3 3 9y² हो गया, -3 2 6y हो गया, -3 हो गया। अब ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और 2 8y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, है ना। इसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, ठीक है। तो जैसे आप 7/3 को क्या लिखते हैं, जैसे 7/3 को आप क्या लिखते हैं, 3 2 6, ये 1 बचा, तो इसको 1 + 2/3 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, 2 + 1/3, ये पहले लिखते हैं 2 + 1/3, 3 2 6 + 7/3। तो इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 6y³ + 5y² - 7/3y² - 2y - 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो है ये भागफल आया (ty)2y + 3, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा, इस आधार पे ये हो जाएगा 8y - 4, और ये हो जाएगा 3y² - 2y - 1। अब देखेंगे आप कि ये जो इम्प्रॉपर फंक्शन था ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ये क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पास न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, अपने को यही करना था। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पास आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 6y³ + 5y² - 7/3y² - 2y - 1, दैट इज इक्वल्स टू 2y + 3, और ये हो जाएगा +8y - 4/3y² - 2y - 1। अब अपने को केवल इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल करके बताना है, बाकी इसका तो होगा नहीं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। केवल इसका पार्शियल फ्रैक्शन मैं अलग से निकाल करके बता देता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, 8y / 3y² - 2y - 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर यदि फैक्टराइज होता है तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, ये क्या लिखा है, 3y² - 2y - 1, तो हो जाएगा 3 1 3 -3, मल्टीप्लाई करने से -3 आ जाए और ऐड करने से -2 आ जाए। तो इसको मिडिल टर्म को अपन ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² - 3y + y - 1, तो ये हो जाएगा 3y y - 1 + 1 y - 1,
तो अपने पास क्या मिलेगा, y माइनस वन और 3y प्लस वन। तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, 8y डिनोमिनेटर में इसको फैक्टराइज कर लिए तो ये हो गया y माइनस वन और ये हो गया आपका 3y प्लस वन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कौन से टाइप में है, ये टाइप वन में है। तो इसको अपन लिख दिए a अपॉन y माइनस वन प्लस b अपॉन 3y प्लस वन, है ना। अब अपने को a और b का मान निकालना है तो टाइप वन से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पास अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा y माइनस वन, ये हो जाएगा 3y प्लस वन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन, ये हो जाएगा 3y प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा a 3y प्लस वन प्लस b y माइनस वन, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 8y इक्वल्स टू a 3y प्लस वन और प्लस b y माइनस वन। अब a और b का मान निकालना है आपको, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, उसका मान निकाल के अपन यहाँ रख देंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पास देखते हैं y की वैल्यू मैं वन रखता हूँ, पुट y इक्वल्स टू वन इन बोथ साइड, दोनों साइड में y इक्वल्स टू वन रखिए तो ये हो जाएगा 8 इंटू वन, ये हो जाएगा a 3 इंटू वन प्लस वन और ये हो जाएगा 1 माइनस वन, ये हो जाएगा 0, 8 प्लस 3 वन जै 3 प्लस 1 4 a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 बाई 4 तो ये आ जाएगा 2, 8 की a की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पास ये 8y माइनस 4 है तो यहाँ 8y माइनस 4 लिखना था, इसको अपन भूल गए हैं, 8y माइनस 4 है, ये 8y माइनस 4 है, ये 8y माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 8 4, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बाई 4 तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ठीक है, 8y माइनस 4 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पास देख के नहीं लिख पाया था, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, a की वैल्यू को 0 लाने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू माइनस 1 बाई 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा इक्वल टू a 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा b माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 बाई 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 0, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1 माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई वन, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस 8 बाई 3 माइनस 4 बाई 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 12, है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 20 बाई 3, ये हो जाएगा माइनस 20 बाई 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ b, यहाँ b ऑफ ये हो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4 तो ये हो जाएगा 4 5 जा तो 5 आ जाएगा, b की वैल्यू 5 आ गया, a की वैल्यू आ गया 1 और b की वैल्यू आ गई 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिलेगा, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 8y माइनस 4 अपॉन y माइनस 1 और 3y प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस b, b की वैल्यू कितना है 5,
तो जाएगा 5/3y+1। ठीक है, ये तो इसका निकला। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन नंबर वन में डाल दीजिए। सो बाय इक्वेशन वन वी गेट 6y³+5y²-7/3y²-2y-1=2y+3। ये हो गया, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/y-1+5/3y+1। ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन अपन कैसे निकाले, देखिए। पहले इसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके इसको बना लिए, इसका आंसर ये आएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।